ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ ओए होए, अक्षु कितनी प्यारी लग रही हो यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को आप रोज देखें और हर बार नए सिरे से प्यार हो जाए। जान ही लेके मानोगी मेरी कसम से। 8 बजने में ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी निकलो और जल्दी पहुंचो। एक जबरदस्त सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। इससे भी बड़ा सरप्राइज। अभी निकला और अभी पहुंचा। सुनो, हर्ष मंजरी को बता दिया था ना कि हमारे इन्वेस्टर्स इंडियन खाना खाने में इंटरेस्टेड हैं। मंजरी घर पे नहीं थी, मैंने स्टाफ को बता दिए। अच्छा, ये सब क्या है? बस एनिवर्सरी की बधाइयां, गिफ्ट्स, बुकेज, स्टाफ, पेशेंट्स, इन्वेस्टर्स। अब हर किसी को थोड़ी बता सकता हूँ अपने शादी की सच्चाई। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पार्टी से बचा लिया। हॉस्पिटल में बातें चल रही थी तुम्हें सरप्राइज करने की। सरप्राइज पार्टी? ओ थैंक यू भाभी, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ये फेक स्माइल, और फिर हर पार्टी में हमारे जो समधी हैं, ग्रेट गोइंकाज, पहुंच जाते हैं दिमाग खराब करने को। चीखते चिल्लाते नाचते गाते आ जाते हैं वो। कंग्रेचुलेशंस, ये लीजिए। आप भाई साहब लीजिए, आप दीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी हर्षवर्धन जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हैप्पी एनिवर्सरी। कंग्रेचुलेशंस अंकल। थैंक यू भाई साहब। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे आप बस हमारा ही वेट कर रहे हैं? नहीं, वैसे आप लोग ऐसे अचानक कैसे आ गए? मंजरी जी, मंजरी जी हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, ऐसी खुश रहो हमेशा। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आंटी। हाँ, वेरी प्रिटी। हाँ, ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है, सच में बहुत सुंदर लग रही है आप। ये तो मंजरी की शादी वाली साड़ी। अच्छा, मगर किस खुशी में पहनी इसने? मंजरी जी आइए ना। मंजरी
कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सरप्राइज। सर जी सरप्राइज है, सरप्राइज मिलने पे लोग खुश होते हैं, आप तो परेशान लग रहे हैं। हाँ हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा। कायरव अब दोनों की फोटो तो ले लो साथ में। हाँ और बाकी सबके साथ भी। तब तक अभी भी आ जाएगा। भैया मेरे पास और भी पिक्चर्स हैं असली शादी वाले, वो एक बार देख लेते हैं फिर फोटोज को रिक्रिएट करेंगे। हाँ ठीक है। जब ये आइडिया था कि अक्षरा ये सब करने वाली? नहीं बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे पता होता तो मैं उनको रोक लेता। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता बट एटलीस्ट इतना तो पता है कि आज का दिन हम घर में सेलिब्रेट नहीं करते। उन्हें देख के क्लियरली पता चल रहा है कि गुस्से में है, वो भी सबके सामने। मुझे तो माँ के लिए डर लग रहा है ज्यादा। आई रियली होप कि ब्रो सब संभाल ले। कितनी सुंदर लग रही है। अभी क्यों नहीं आया अभी तक? अब जल्दी पार्टी को रोक भी नहीं सकती ये बोल के कि अभी का वेट करना है। क्या करूं, कैसे हैंडल करूं सबको उसके आने तक? रिश्ता क्या है?